योगी सरकार जी क्या इसमें कामयाब रही है? जैसे उन्होंने कहा था कि हम गाय को गौशाला में ले जाएंगे, आम किसान गायों को लेकर बड़ा परेशान है क्योंकि उनके खेत चुक जाते हैं, उनके खेत चट कर जाते हैं, तो लगता है आपको कि सरकार गायों को लेकर फेल रही है आपके हिसाब से? पास ऐसा है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गौशाला बनवाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम ही जिम्मेदार हैं। क्यों? जैसे मैंने गाय का दूध पिया, 4 साल पिया, गाय हमारी माता है। अब देखिए 4 साल दूध पिया, जैसे हमारे दादा दादी हैं, उन्होंने हमारे पिताजी को पैदा किया, उनने हमें पैदा कर दिया। अब हम अपने दादा दादी को छुट्टा छोड़ दें? भाई उनकी सेवा करते हैं, ऐसे गाय की सेवा करो। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो किसान भी है भाई। ये सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन सरकार उसका पहल कर रही है कि गौशाला में इंतजाम किया जाए और कर भी रही है। अब आप ये जानिए, 2 साल में गाय नहीं रह रही है तो भाई उसकी सेवा कीजिए, अगर आप पर सेवा नहीं हो रही है तो गौशाला छोड़ के आइए। अच्छा, जैसे अभी केजरीवाल दिल्ली में गिरफ्तार हो चुके हैं, मोदी सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि ईडी सीबीआई सब सरकार ने अपने शिकंजे में ले रखी है, सब सरकार की मनमानी से काम कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप बताइए क्या मोदी कि शिकंजे में आकर सीबीआई और ईडी काम कर रही है, या सच में ही अरविंद केजरीवाल ने घोटाला कर दिया है? देखिए, आज से 14 साल पहले भी दूसरी भी सरकार थी, तब भी शिकंजे कसे जाते थे। अब उनको शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, वो तो हमारे लोग दिल्ली जाते हैं, एक बोतल के साथ 2 बोतल भेजी थी, क्या था? आप जहर पियो, और आप जहर कम मत पियो और ज्यादा पियो। देखिए, आप मुझे मदरा, अगर मैं 1 गिलास पीता हूँ, अब 2 गिलास और पिला रहे हैं, तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, हैं? मरूंगा नहीं मरूंगा, तो उसके लिए तो जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई तो अच्छा काम कर रही है, इसमें मोदी सरकार को तो जिम्मेदार ठहरा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी सरकार में हो रहा है। भाई आप घोटाला करोगे या कुछ गलत काम करोगे, जहर बेचोगे, तो कुछ तो होगा ना, होगा या नहीं होगा? अब शराब एक के चक्कर में 2 और हो गई, कि एक बोतल तो आपको मिली रही थी अपने पैसों से, एक हमारी तरफ से है। भाई वो कहां से आ रहा है पैसा आपके पास, ये भी एक प्रश्न है। हाँ, ये पैसा आ कहां से रहा है आशीष महल बनवाने के लिए, बताइए, आप ही बताइए, आपसे मेरा भी प्रश्न हो सकता है। 40 लाख के पर्दा लटक रहे हैं, वो कहां से लटक रहे हैं? अच्छा, केजरीवाल के हैं तो 40 लाख के पर्दा जो लटके कोठी में, वो कहां से आ रहे हैं? तो जैसे आपको लगता है उत्तर प्रदेश में केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो पकड़ बना पा रही है? नहीं बना पाएगी, वो पकड़ बना ली उसने, बन ली, अब नहीं बना पाएगी। अच्छा, तो देखिए इस समय हम मौजूद थे लोकसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र, अच्छा प्रधान जी आए हैं। प्रधान जी, 2024 का चुनाव नजदीक है, 26 अप्रैल को आप मतदान करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन आ रहा है 2024 में? भैया मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। अच्छा, हाँ क्यों आएंगे मोदी जी, क्या क्या आपके लिए मोदी जी ने क्या किया है? 2000 रुपया देते भैया, 3 महीना पीछे हमें। अच्छा, हाँ किसान है हम। हाँ, लेकिन किसानों के लिए तो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, वहाँ पे बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर, भैया वो तो करोड़पति किसान कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हम तो भैया नेक नेक छोटे छोटे किसान है भैया, 5-10 बीघा के। तो जब 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 करोड़पति किसान वहाँ पर लग रहे हैं तो आपको उनका सपोर्ट करने नहीं जाना चाहिए? भैया हम तो बहुत छोटे किसान है, हमें तो छोटी योजना मिलेंगी तो भाई मैं खुश हो जाता, वो बड़े किसान है होना बड़ो लप्पा। अच्छा, जैसे एमएसपी की बात आती है तो आपको समर्थन मूल्य ठीक मिल रहा है, लग रहा है आपको? अब भैया समर्थन मूल्य तो तुम्हारे के, भाई हम गरीब आदमी है, छोटे किसान है भाई, पहले नंबर तो अब समर्थन मूल्य मान के चलो 350 रुपए आ गया। आपके क्षेत्र में सांसद ने क्या क्या कार्य किए? भाई सांसद की बात आप रहे तो कुछ ना, हाँ। सांसद की बात क्या चाहते हो? सांसद तो ये चाहता है हमारे क्षेत्र में सड़कें बने, विकास हो, फैक्ट्री पड़े, बेरोजगारी दूर करे हमारा सांसद। आई सच में भाई हमारे क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, रोड तो बनवा दिया जो अभी आंदोलन चल रहा था, वो किसने? आंदोलन के माध्यम से ही बना है भाई। अच्छा, वोट का बहिष्कार के कारण, तो उसमें भी तो सांसद का हाथ होगा। हाँ, तो वो सांसद को हाथ हो या कौन को हाथ हो, बात से पहले तो बनो ना 10 साल पहले। अच्छा, सांसद का कोई हाथ नहीं है साहब इसमें, सांसद का कोई हाथ नहीं है, खाली राजू भैया ने बनवाया है। अच्छा, जब यहाँ से जो यहाँ से सांसद तो इल्जाम लगाता था कि भैया इसको बनने नहीं देता है, पैसा खा जाता है भैया। अच्छा, ये सांसद ये बोलता था पहले। अच्छा, ये आरोप राजू भैया पर लगाते थे? हाँ, राजू भैया पर लगाए थे। और सुनो, योगी के मोदी के यहाँ सब आदमी है, खाली अपना जो प्रतिनिधि है ना सांसद, उसके खिलाफ अपना है। अच्छा, बस खाली ना इधर आता है ना कभी जाता है ना कोई बात पूछता। अच्छा, आप अभी कुछ जवाब की कह रहे थे, क्या जवाब दे रहे थे? आपने एक जवाब पूछा था उनसे पहले, ये बताइए प्रश्न क्या था आपका?
हमारा प्रश्न था किसान का समर्थन मूल्य जी, तो लगता है आपको आपने ये कहा था कि किसान जो वहाँ उद्गम वो आंदोलन चल रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे भाई? वो किसान नहीं, वो है मसान। और वो मसान कैसे हैं? मैं देखिए अभी खेत पर से आ रहा हूँ, मेरे पास एक बेटा है छोटा सा, ठीक है, घर की जिम्मेदारी है, 45 बीघा खेत कर रहा हूँ इस टाइम पे, मेरे खेत में मक्का है। अगर मैं उसको देखते हुए वहां बॉर्डर पे पहुंच जाऊं, मेरी मक्का तो गिड़ार खा जाएंगी और वो सब बेकार हो जाएगा। अब ये बताइए, मैं आंदोलन करने जाऊंगा या मैं अपना खेत देखूंगा? अच्छा, लेकिन मांग होती है, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस होता है। जैसे मक्का का मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, सरकार रखती है। अब यूरिया है, यूरिया के रेट तो बहुत है, लेकिन अभी हमें 270 रुपए का मिल रहा है भाई। अगर उसकी जीएसटी वो पहले ही वो क्या उसकी वो काट के देती है ना, क्या बोलते हैं, सब्सिडी काट के देती है ना, डीएपी की सब्सिडी काट के देती है, उसी हिसाब से हमारा अनाज भी खरीदा जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें आंदोलन करना है, तो भाई हमारे खेत कौन देखेगा? बताइए, आप ही बताइए। जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान कैसे हो सकता है? उसके बच्चे घर में भूखे नहीं मर जाएंगे? बताइए, आप ही बताइए भाई। अगर मैं खेत को नहीं देखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो मेरा तो मानना ये है, ये आंदोलन जो होता है, लेकिन बात रखने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि आप 6 महीने के लिए बैठ जाएंगे, 6 महीने आपके लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा? कौन दे रहा है आपके लिए, कौन जिम्मेवार है? 6 महीने में तो खेत खाली हो जाते हैं महाराज, 3 महीने में फसल आती है। ठीक, मेरे यही कहना था। जैसा कि मेरे गोपेश बड़े भाई गोपेश गंगा जी ने ये बात बोली, ठीक है, गाय पालने के ऊपर। जैसे हम गाय पालते हैं, गाय पाल लेते हैं, जैसे हमारे दूध देती है वो, तो दूध देते देते कभी ऐसा होता है वो ठल्ला रह जाती है, तो उसको हम एक साइड ट्राई करते हैं, पालते रहते हैं कि रह जाए, नहीं रह पाती है, तो फिर उसको हम गौशाला में छोड़ने के लिए जाते हैं, तो गौशाला वाला क्या बोलता है कि हमारे गाय को गौशाला में जगह नहीं है। अच्छा। तो फिर किसान क्या करेगा बताइए? अच्छा, गौशाला में जगह नहीं है तो यहाँ तो सरकार की गलती हुई, उन्हें जगह बढ़ानी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की गलती हुई, या फिर और गौशाला की जगह निकालनी चाहिए उन्हें किसी। तो लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी सरकार खेल कर रही है गौशाला को लेकर, मतलब क्योंकि अगर गौशाला के लिए गौशाला वाले बोलते हैं जगह नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर वो बोलते हैं कि 5-10 हजार रुपए दे दो। पैसे भी लेते हैं, अच्छा, उन्हें ऊपर से भी पैसा मिलता है, फिर आपसे भी मांगते हैं कि पैसे दे दो, तो फिर तो ये घोटाला समझो। बिल्कुल कुछ भी समझो आप, ये तो आप समझ सकते हो। देखिए तो बताइए क्या फिर बाद में आएगा, तो किसान क्या करेगा? महंगाई के जमाने में भूस भी महंगा है, सब चीज महंगी है, फिर किसान क्या करेगा? गाय रह नहीं रही है, पता नहीं क्या समस्या है उसके वजह से गाय। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम अजय कुमार है। देखिए, अजय कुमार हूँ या फिर गोपीराम हूँ या कोई भी हो, शाहरुख हूँ, सबने अपनी अपनी बातें रखी है, सबने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये गुहार लगाई है कि हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारे क्षेत्र में अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो। तो इसी प्रकार से हम लोकसभा क्षेत्र अभी एटा के लिए भी रवाना होंगे, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे हम भ्रष्टाचार पर, घोटाले पर, सब पर बात जनता के बीच में जाके कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छी राय भी मिल रही है जनता से कि ये अपने विकास कार्य होने चाहिए क्षेत्र में, जो कि एक पढ़ी लिखी जनता ही करती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, अब जनता जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।